हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी एल टी एल दिल्ली एनसीआर डॉग सेल्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, फिर से मैं सिटजू पे वर्क कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मैं इस टाइम पे सिटजू पे ही वर्क कर रहा हूँ ताकि अच्छे से अच्छे और टॉप क्वालिटी के पपीस आपको रिजनेबल और अच्छे रेट में दे सकूँ। तो गाइस, हमारे पास ये स्टार्टिंग में हमारे पास ये मेल है जो कि मैं आपको एक एक करके क्लिप करके दिखा देता हूँ। तो पहली क्लिप वाला भी मेल था, ये दूसरी क्लिप वाला भी हमारे पास मेल है। तो आप देख लीजिए, क्वालिटी देख लीजिए, फेस देख लीजिए और इसकी मार्किंग देख लीजिए, ये सब कुछ बहुत मायने रखती है। तीसरे नंबर पे ये हमारे पास ये है फीमेल, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैवी बोन है, हैवी फेस में है। और इसकी भी मार्किंग देख लीजिए, ब्लैक मार्किंग के साथ ट्राई कलर बोलते हैं जिसे, ब्लैक वाइट एंड ब्राउन कलर शेडेड ट्राई कलर बोलते हैं। तो तीनों कलर में अवेलेबल है। तो जिस भाई को भी कोई सा भी पपीस पसंद हो तो उसकी बुकिंग करवा सकते हैं गाइस। और इसकी मदर ये है, इसकी मदर इन सभी बच्चों की ये मदर है। तो गाइस, ये मदर देख लीजिए, बाकी क्वालिटी देख लीजिए, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मदर भी अच्छी है। और मदर के बाल इस टाइम पे कटवा रखे क्योंकि गर्मी का सीज़न आ गया, सभी ने अपने सिटजू के बाल कटवा रखे। और जब भी पप्पी बर्थ देती है तो उससे पहले सिटजू के बाल हर कोई कटवा देता है ताकि एक तो बर्थ देते टाइम प्रॉब्लम ना हो और जिससे कि सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है उस टाइम पर तो गर्मी कम लगे, इसलिए हर कोई बाल कटवा देता है। तो गाइस, क्वालिटी एक नंबर है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के पपीस हैं। तो जिस भाई को भी लेना हो, ऑनर का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप ऑनर को कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकी भी डिटेल ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इनके प्राइस की। तो मेल का प्राइस हर बार की तरह क्वालिटी चाहे बेस्ट से बेस्ट देने की हम कोशिश करते हैं और प्राइस हमेशा वही रखते हैं। तो हमेशा की तरह मेल का प्राइस रहेगा 30,000 और फीमेल का प्राइस रहेगा 25,000 निकल जाता है लास्ट एपिसोड की सुन सुन के 25,000। गाइस, अगर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप लासा एप्सो लेना चाहते हो तो लासा एप्सो से अच्छा आप थोड़ा पैसा और खर्च कर दीजिए, सिटजू लीजिए। क्योंकि सिटजू का जो फेस कट होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। एक तो अंडर नोज होता है, पंच फेस होता है और उसके बाल भी लासा से ज़्यादा होते हैं, तो देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो इसलिए सिटजू इज़ द बेस्ट कॉम्प्लिकेशन, मैं तो कहूँगा आप सिटजू लें, देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा। सबसे अच्छी बात होती है इनके फेस की, जो इनका फेस होता है ना एकदम पंच फेस होता है, जिससे कि कारण इनका फेस तक बालों की वजह से दिखाई नहीं देता, वो सबसे बेस्ट लगता है। अगर आप ग्रूमिंग करवा के इसकी छोटी ओटी बना देते हैं तो एकदम बेस्ट, एकदम ए नंबर लगता है। मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारे पास सिटजू के पप्स हैं इस टाइम पे, सॉरी जो बड़े मेल एंड फीमेल हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा अगर उनकी ग्रूमिंग करवा दी जाती है तो किस तरीके के पपीज लगते हैं हमारे। तो इसलिए पपी का निखार हमेशा दो या तीन महीने से आना स्टार्ट हो जाता है। और गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बने रहे हमारी।